नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एग्जांपल्स कुछ डिस्कस करने वाले हैं रिंग के। इसलिए पिछले वीडियो में मैंने रिंग थ्योरी की शुरुआत करी थी और आपको बताया था कि रिंग का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करा था। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी रिंग के डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर वन बाय वन कुछ वेल नोन सेट्स को लेते हुए चेक करेंगे कि क्या वो रिंग है या नहीं है। अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एंड डॉट इज सेट टू फॉर्म अ रिंग इफ फर्स्ट है हमारे पास में आर प्लस इज एन एबेलियन ग्रुप, सेकेंड है आर डॉट इज अ सेमी ग्रुप, थर्ड ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे पास में एक थोड़ा सा रिकॉल था रिंग का, कि रिंग हमारे पास में क्या होती है और इसको हम लिखते किस तरह से हैं। R प्लस डॉट इज अ रिंग। यहां पर इनका ये जो ऑर्डर है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यह ऑपरेशंस को हम आगे पीछे इस तरह से करते हुए नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स से, एग्जाम्पल्स ऑफ रिंग्स। फर्स्ट है हमारे पास में Z प्लस डॉट इज अ रिंग। Z से हमारे पास में क्या है, इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये जो प्लस एंड डॉट है, प्लस एंड डॉट आर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास में जो नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। यहां पर मैंने रिंग थ्योरी के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्लस और डॉट जो है वो फर्स्ट ऑपरेशन और सेकेंड ऑपरेशन को डिनोट करता है, लेकिन यहां पर जो हमारे पास में फर्स्ट ऑपरेशन है वो नॉर्मल एडिशन ही आ रहा है और जो सेकेंड ऑपरेशन है वो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि ये रिंग किस तरह से होता है। ये आपके पास में नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसको हम यहाँ पर हम नंबर लाइन के अंदर खाली सेट ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स के पॉइंट्स को ही प्लॉट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास में ये वाले नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखोगे आप कि प्लस जो है वो बाइनरी ऑपरेशन है। सबसे पहले अगर हमें रिंग प्रूफ करना होता है तो इन दोनों ऑपरेशंस को हमें चेक करना होता है कि वो क्या बाइनरी ऑपरेशंस हैं या नहीं है। प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, आप चेक कर सकते हो बहुत आराम से। कोई भी दो एलिमेंट्स को लीजिए, चाहे आप 2 और 3 को लीजिए, उनके बीच में एडिशन लगाइए 2 + 3 तो 5 इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। -1, -2 को लीजिए, -1, -2 = -3 इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को ले लीजिए, -1 + 2 यानी कि 1, वो इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा। यानी कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड,
ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, ये चीज हमारे पास में आ रहा है। तो प्लस जो है वो यहां पर एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। इसी तरह से डॉट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, डॉट जो है वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। आप देख लीजिए, 1 into 3, 3, 3 बिलोंग्स टू जेड, 3 into 5, 15, 15 बिलोंग्स टू जेड। तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, उनके बीच में अगर आप मल्टीप्लाई अप्लाई करोगे तो वो जो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है वो जेड के अंदर बिलोंग कर जाएगा। तो ये हमारे पास में एक बाइनरी ऑपरेशन हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए डॉट बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये वाला हमारे पास में आ जाता है कि हमें दो बाइनरी ऑपरेशंस तो मिल गए हैं जेड के, वो है हमारे पास में यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अब हमें रिंग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको एक एबिलियन ग्रुप प्रूफ करना होगा। Z प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, Z प्लस जो है वो एक एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। आप कोई भी फर्स्ट होता है हमारे पास में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू Z, सॉरी फर्स्ट यहां पर पहले इसका नाम लिख देती हूं मैं, एसोसिएटिविटी। आप कोई भी तीन एलिमेंट्स ले लीजिए सेट ऑफ इंटीजर्स की, उनको आप दो को पहले ऐड कर लीजिए फिर ये ऐड करिए, या फिर इस तरह से उन्हें ऐड कर दीजिए, रिजल्ट हमेशा हमारे पास में सेम आएगा, यानी एसोसिएटिविटी होल्ड हो रही है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नॉर्मली हम ग्रुप थ्योरी के अंदर खाली आइडेंटिटी कहा करते थे, लेकिन यहां पर दो ऑपरेशंस हैं, तो हम एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये वाली टर्म्स अलग अलग आइडेंटिटीज को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर ये जो आइडेंटिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लस आ रही है, तो यहां पर इसको एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यहां पर आप देख रहे हो, अगर आप इसको पूरे के पूरे इसको देखो, तो यहां पर आप क्या देखते हो कि जीरो को अगर आप किसी भी नंबर के साथ में ऐड कर रहे हो तो वो सेम नंबर आ रहा है। जीरो प्लस टू कर दीजिए, जीरो प्लस थ्री कर दीजिए, जीरो माइनस वन कर दीजिए, जीरो माइनस टू कर दीजिए, तो वो सेम एलिमेंट आ रहा है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। थर्ड है हमारे पास में एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यहां पर हर एक एलिमेंट का इनवर्स यानी कि सॉरी एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आप कोई भी एलिमेंट का लेके देख लीजिए, वन का नेगेटिव इनवर्स माइनस वन एग्जिस्ट करता है, वन प्लस माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यहां पर लीजिए, थ्री प्लस माइनस थ्री विच इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। और डी है हमारे पास में, आप कोई भी दो एलिमेंट्स को ले लीजिए जेड के, चाहे आप a प्लस बी करिए चाहे b प्लस ए करिए, सेम रिजल्ट आएगा। Therefore, commutativity holds. Commutativity property जो है वो hold हो रही है। Therefore, z plus is an abelian group. तो इस तरह से हमारे पास में z with respect to addition जो है वो एक abelian group आ जाता है। सेकेंड हमें प्रूफ करना है कि Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप। आप कोई भी दो एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट्स को ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 3 and 5, आप इसको 2 into 3 into 5 कीजिए तो भी आपके पास में क्या आएगा 30, और 2 into 3 into 5 कीजिए तो भी आपको क्या मिलेगा 30। कोई भी तीन एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, आपके पास में
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी आएगा. तो हमारे पास में जेड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप. तो ये एक सेमी ग्रुप आ जाता है. थर्ड है हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आप कोई भी तीन एलिमेंट्स को अगर लेंगे तो आपके पास में a डॉट b प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c एंड a प्लस b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट c प्लस b डॉट c आएगा फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z. ये आप इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट के लिए चेक कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास में तीनों जो क्राइटेरियाज हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और z with respect to usual addition and usual multiplication is a ring. इन सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इन्हीं और आप अगर नंबर वाइज चेक भी करना चाहते हैं एलिमेंट वाइज तो आप ये चेक कर सकते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स यानी कि q, ये क्या है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल्स. q प्लस डॉट इज अ रिंग. यहाँ पर भी प्लस और डॉट जो है वो यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ही है. q के अंदर हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स कंटेन करते हैं p by q such that pq belongs to z and q is not equal to 0. तो हमारे पास में सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इस तरह के होते हैं. थर्ड है हमारे पास में r प्लस डॉट इज अ रिंग. अब r के ऊपर मैं एक और लाइन लगा रही हूँ क्योंकि मैं जनरली सेट ऑफ रियल नंबर्स को इस तरह से डिनोट करती हूँ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये भी हमारे पास में विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन एक रिंग बनता है. फोर्थ एग्जाम्पल है c प्लस डॉट इज अ रिंग विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लीकेशन. c यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है एक रिंग बनता है. यहाँ पर c के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं z विच इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बीटा सच दैट हमारे पास में ये ए बी जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं और आयोटा हमारे पास में क्या होता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन. अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन किस तरह से डिफाइन होता है यहाँ पर. एडिशन डिफाइंड इन सी एज किस तरह से एडिशन को डिफाइन करा गया है यहाँ पर. अगर हमें दो एलिमेंट्स को ऐड करना है z1 प्लस z2, z1 हमारे पास में क्या है a1 प्लस आयोटा b1 और ये है a2 प्लस आयोटा b2. एडिशन हम क्या करते हैं रियल पार्ट्स को एक साथ में ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड में यानी a1 प्लस a2 प्लस आयोटा टाइम्स b1 प्लस b2. इस तरह से हम एडिशन जो है डिफाइन करते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर. और मल्टीप्लीकेशन किस तरह से डिफाइन करते हैं हम. मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड as a1 plus iota b1 into suppose हम इसको ऐसे ले लेते हैं z1 into z2. ये हो गया हमारे पास a1 plus iota b1 into a2 plus iota b2. अब यहां पर क्या है मल्टीप्लीकेशन का एक मैथमेटिकल रूल होता है कि अगर हम बीच में कुछ भी ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है.
तो यहां पर अगर मैं कहीं पर भी आपको डॉट ना लिखूं, इसका मतलब कि वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है। तो यहां पर इसको जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए वन ए टू प्लस आयोटा टाइम्स ए वन बी टू प्लस आयोटा टाइम्स ए टू बी वन प्लस सॉरी माइनस बी वन बी टू। रियल पार्ट्स को एक साइड कर लीजिए, इमेजिनरी पार्ट्स को एक साइड कर लीजिए, ये आ गया ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू प्लस आयोटा टाइम्स ए वन बी टू प्लस ए टू बी वन। तो इस तरह से एडिशन और मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन करा गया है। यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हो कि सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पर आपको हर एक कंडीशन चेक करनी होगी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास में एक एबिलियन ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी क्या आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास में आएगी जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये हमारे पास में एडिटिव आइडेंटिटी आएगी। और एडिटिव इनवर्स आएगा फॉर ऑल ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी देयर एग्जिस्ट माइनस ए माइनस आयोटा बी बिलोंग्स टू सी सच दैट ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस ए माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो इस तरह से हमारे पास में सी विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन जो है एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है। आप चेक कर पाओगे कि सी विद यूजुअल मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक सेमी ग्रुप आएगा। यहां पर आपको खाली एसोसिएटिव कंडीशन चेक करनी होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, जो लास्ट कंडीशन होती है हमारे पास में रिंग प्रूफ करने के लिए। ऑल्सो फॉर ऑल जेड वन जेड टू जेड थ्री बिलोंग्स टू सी, जहां पर हमारे पास में जेड वन क्या है ए वन प्लस आयोटा बी वन, जेड टू होता है ए टू प्लस आयोटा बी टू, जेड थ्री है ए थ्री प्लस आयोटा बी थ्री। आप चेक कर लीजिएगा एक एक एलिमेंट को सब्सटीट्यूट करते हुए कि Z1 वन इंटू जेड टू प्लस जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड वन जेड थ्री एंड जेड वन प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री इज इक्वल टू जेड वन जेड थ्री प्लस जेड टू जेड थ्री। और ये चीज आप इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को सब्सटीट्यूट करते हुए पहले LHS कैलकुलेट कीजिए, फिर RHS कैलकुलेट कीजिए और देखिए क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। इस तरह से ये वाली प्रॉपर्टी को चेक कीजिए, फिर यहाँ पर LHS कैलकुलेट कीजिए, RHS कैलकुलेट कीजिए, दोनों को इक्वेट करते हुए देखिए कि क्या ये चीज जो है वो सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैंने आपको सेट ऑफ इंटीजर्स का कंप्लीट प्रूफ बताया है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपको सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए खुद प्रूफ करना है। हमारे पास में नेक्स्ट मैंने आपको बताया है सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी आपको खुद बताना है और ये आपके लिए एज अ असाइनमेंट है। और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो आपके लिए मस्ट वाला असाइनमेंट है, जिसमें मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी है और बाकी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए खुद प्रूफ करनी है और मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैसेज करनी है। इस तरह से हमारे पास में एग्जाम्पल्स जो हैं वो रिंग थ्योरी के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे रिंग थ्योरी से रिलेटेड। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।